बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आवारा गोवंशों को लेकर तहसील सियाना में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी ने किया। प्रदर्शन में युवा जिला अध्यक्ष सेलू आर्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों की मौजूदगी में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आवारा गोवंश को लेकर किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आवारा गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद सियाना तहसील के एसडीएम सुभाष सिंह से किसानों ने वार्ता की। इस दौरान किसानों ने सियाना तहसील के तहसीलदार से भी अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। लोगों ने एसडीएम को बताया कि ग्राम बुकलाना टंकी काफी दिनों से खराब है, जिसको लेकर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एसडीएम ने मौके पर ही कार्यवाही करते हुए खंड विकास अधिकारी को फोन पर पानी की टंकी की लाइन सुधारने के लिए निर्देश दिए। किसानों ने बढ़ती बिजली की दर को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि बिजली के बिल किसानों के गलत आ रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 25 जनवरी को बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर एसडीएम सियाना सुभाष सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बुलंदशहर से मुकेश कुमार के साथ राशिद खान की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कैप्टन ईश्वर सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ है किसानों का, और इसमें महत्वपूर्ण तीन मांग तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें एक आवारा पशु बहुत जो है नुकसान किसानों का कर रहे हैं, उनको पकड़वाने के संबंध में एक बहुत किसानों का आक्रोश रहा, बल्कि तहसील में मैं कहूँगा। और दूसरा ये है कि समय से गन्ने की पर्ची किसानों को नहीं मिल रही है, बिजली का बिल अंधाधुंध बढ़ाया जा रहा है, किसान अभी इसे वहन नहीं कर सकता। इसे आज किसानों का आक्रोश फूटा है और वो बहुत तादाद में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एसडीएम साहब को ये अपना अल्टीमेटम दिया है, किसानों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के साथ साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर 25 तारीख तक ये 25 जनवरी तक उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो किसान इस बार पूर्ण रूप से घरों से निकलेगा और सड़कों पर रहेगा, जिसका तमाम जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। कैसे तहसीलदार का मामला एक सामने आया है कि वो किसानों से व्यवहार कुछ किसानों ने शिकायत की है कि तहसीलदार साहब का जो व्यवहार है वो कुछ अच्छा नहीं है। हम आज ने समझा दिया तहसीलदार साहब को, क्योंकि वो गाजीपुर से एकदम सीधे इधर आए हैं तो यहाँ की भाषा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और किसान उनकी बात को नहीं समझता, वो भी किसान की बात को नहीं समझ रहे हैं और कुछ जो बात है उनको बैठा के समझ। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने दिया कि 21 तारीख में हमारी जो है मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे अगर उनमें किसान हित के निर्णय होंगे तो ठीक है, वरना 25 तारीख में हमारा बड़ा आंदोलन होगा। जी हाल ही में एक जिला बुलंदशहर एक मुख्य कार्यालय पे कोडू रेड को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें एडीए प्रशासन का व्यवहार भी ठीक नहीं आया था, और फिर सोमवार की आपकी मीटिंग रखी गई थी, अभी तक क्या निकल के आया था कोडू रेड को लेकर? डीएफसीसी वाले मामले में टिकैत साहब से बात चल रही है और 20 तारीख में कोई निर्णय टिकैत साहब उस पर लेंगे। बड़ा जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलता है? हाँ, आश्वासन दे रहे हैं। वो 560 दिन से धरना चल रहा है और 560 दिन से लगभग ज़्यादा नहीं है तो सौ आश्वासन तो हो गए होंगे जरूर। अभी तभी जब यहाँ से कुछ बात नहीं बनी है तब तो उसके जो है हमारा 16, 17, 18 में जो शिविर है भारतीय किसान यूनियन का, उसमें हम लोग जाएंगे, वहाँ राष्ट्रीय शिविर में जो निर्णय लिए जाएंगे उनका अनुपालन हम अवश्य करेंगे। ये किसान भाइयों ने अपनी कुछ ज्वलंत समस्याओं के संबंध में अपनी मांगे रखी है, जैसे आवारा पशुओं से इनकी फसल की क्षति हो रही है तो उसका व्यवस्था कराया जाए, गन्ना पर्चियाँ इन्हें नहीं मिल पा रही जिसके कारण खेतों में गन्ना सूख रहे हैं, गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है, उसके अतिरिक्त बिजली के बिलों की जो है कि अनियमित बिल आ रहे हैं या इनकी दरें बढ़ रही हैं, इस संबंध में कुछ किसान सम्मान निधि के समस्या, ये सब समस्याएँ बताई गई हैं और 21 तारीख को हम संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाएंगे और इनके भी प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, उसी से मिल बैठ के बात करेंगे समस्या का निराकरण। सर, किसानों ने नादार तहसीलदार पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए, क्या कम्युनिकेशन नहीं और थोड़ा उनका व्यवहार ठीक नहीं है? यदि ऐसा कोई आरोप है तो अपने सुधार लाएंगे। सर, ये अभी 27 तारीख में और नमोमो गंगा के लेकर यात्रा निकल रही है, आपकी तहसील से भी निकल रही है, उसकी कैसी व्यवस्था की गई है? सारी तैयारियां की जा रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की गंगा यात्रा यहां से गुजरेगी, उससे संबंधित आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जनपद बुलंदशहर के शाना तहसील में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आवारा गोवंशों को लेकर के तहसील शाना पर धरना प्रदर्शन किया, जहां एसडीएम शाना की मौजूदगी में एक ज्ञापन भी दिया है और किसानों ने अपनी फसल बर्बादी को लेकर के बहुत ही नाराजगी जताई है। किसी
इसी प्रकरण को लेकर के एक मामला और भी सामने आया है, जो किसानों ने तहसीलदार शाना के व्यवहार को लेकर भी बहुत ही नाराज़गी जताई है, जिससे किसानों में बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है, जिसको JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।